टुडे नाउ टॉपिक इज़ द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन के ऊपर है। तो आज हम पढ़ेंगे जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं कॉटन के, जो हमारी कपास, ऐसे कीड़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी कपास की फसल के ऊपर क्या करते हैं, हमला करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसे कि कुछ इंसेक्ट होते हैं कॉमन जिनको हम नेम से बोलते हैं, द पिंक बोलवर्म, रेड कॉटन बग होता है, कॉटन ग्रे वील होता है, ग्रास होपर होता है और कॉटन जेसिड्स होते हैं। ये इंसेक्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। पिंक बोलवर्म है, रेड कॉटन बग है, ये इम्पोर्टेंट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। नाउ स्टार्ट। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन, जिसके अंदर कॉटन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, गॉसिपियम सैप है। द पिंक बोलवर्म जिसका नेम है पैलेटेंड्रा पेक्टिनोपोरा, क्लास होती है इंसेक्टा, ऑर्डर है लेपिडोपेट्रा, फैमिली है गिली चिड़िया। डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल ओवर इन वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो इसको पिंक बोलवर्म को हिंदी में गुलाबी इल्ली भी बोला जाता है और ये ऑल ओवर इन वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है, मीन्स पूरे मतलब संसार में इसका मीन्स इसको देखा जा सकता है। इन इंडिया के अंदर मतलब भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा होती है वो यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अंदर इसका अटैक जो है वो देखने को मिल सकता है। होस्ट प्लांट की बात करें तो इसका जो मेन होस्ट होता है वो है कॉटन, और अदर ये जो मेलवेशिया फैमिली होती है उनकी मतलब मेलवेशिया जो फैमिली होती है उसके ऊपर भी ये उसके ऊपर भी गुलाबी इल्ली का अटैक हम देखने को मिल सकता है। ये जैसे कि सच एज ए लेडी फिंगर है, होली हुक होती है, ओकरा होती है एक्सेट्रा, अल्टरनेट होस्ट है। जनरल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो मोथ जो होता है वो स्मॉल होता है, मींस जो जनरल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो मोथ जो होती है वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट ऑफ लेस देन मीन्स ये मोथ जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, इनका जो साइज होता है वो 12.5 mm का होता है। ये ग्रे ब्राउनिश कलर के होते हैं, मीन्स इनका जो कलर देखेंगे ना हम तो ये हमें ग्रे ब्राउनिश कलर का और थोड़ा सिल्वरी कलर का हमें दिखाई देगा। इसकी फोर विंग्स होती है ना, उनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स लेयर होते हैं, मतलब डार्क ब्लैक डार्क कलर के ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं फोर विंग्स के अंदर, ब्रॉडली होते हैं, सिल्वर ग्रे कलर का होता है। हाइंड विंग्स होती हैं, उनके अंदर एक फ्रिंज मार्जिन्स जो है वो पाई जाती हैं, कुछ इस तरह के हैं। ये क्या होती है, ये जो मोथ होती है ये सिल्वरी कलर की होती है। इसके जो फोर विंग्स होते हैं मतलब ये वैसे इसका जो कलर होता है वो सिल्वर सा ग्रे कलर का होता है। इसके ये होते हैं फोर विंग्स, ये होते हैं हाइंड विंग्स। जो फोर विंग्स होते हैं इनके अंदर ऐसे ब्लैक स्पॉट्स लेयर ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और जो हाइंड विंग्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, डीपली फ्रिंज मार्जिनस होते हैं, मतलब ऐसे लाइन्स पाई जाती हैं, ये डीपली फ्रिंज क्या होती हैं, मार्जिनस पाई जाती है। और ये जो हाइंड विंग्स होती हैं ये थोड़ी ट्रांसफर स्ली पाई जाती है। इसका साइज कैसा होता है, 12.5 mm इसका साइज जो है वो पाया जाता है। बात करें इसके हैबिट की तो हैबिट क्या होता है, ये जो होता है एक प्रकार से नॉकचर्नल इंसेक्ट होता है, ये रात के टाइम में एक्टिव होता है। ये इंसेक्ट जो होता है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड लाइट की तरफ, ये जो इंसेक्ट होता है नॉकचर्नल इंसेक्ट होता है लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, लाइट की तरफ क्या होता है अट्रैक्ट होता है। ये किस ये जो इंसेक्ट होता है ये हमारे फ्लावर को, हमारे बर्ड्स को, हमारी सूट को और बोल को, मीन्स बोल किसको बोला जाता है, जो कपास का जो टिंडा होता है उसको बोल बोला जाता है। हमारे फूल को भी मतलब अफेक्ट करता है, उसकी जो यंग्स बर्ड होती हैं उनको भी अफेक्ट करता है, सूट को भी और बोल को भी। ये सभी मतलब इनके ऊपर अटैक होता है, वो कौन सी स्टेज का होता है, कैटरपिलर जो होता है ये इन सभी चीज़ों को मतलब इन सभी चीज़ों को डैमेज करता है। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल जो होती है पेक्टिनोपोरा एंड पैलेटेंड्रा की वो करीबन 22 से लेके 77 डेज की होती है, मतलब 22 से 77 दिन की होती है। विंटर के अंदर लॉन्ग लाइफ साइकिल वाला होता है, मतलब विंटर के अंदर इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो लॉन्ग लाइफ साइकिल वाला होता है। समर के अंदर ये शॉर्ट लाइफ होता है, मींस विंटर के अंदर लॉन्ग लाइफ होता है, एज फॉर समर, समर मींस शॉर्ट, समर के अंदर इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है। अडल्ट जो होते हैं वो कब ब्रीड करते हैं, जो अडल्ट होते हैं ये ब्रीड करते हैं अप्रैल एंड नवंबर के अंदर ब्रीड करते हैं, अप्रैल एंड नवंबर के अंदर ये क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। तो लाइफ साइकिल होगी मींस करीबन 22 से 77 दिन की लाइफ साइकिल होती है। लॉन्ग लाइफ साइकिल कब होती है, विंटर में, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है समर के अंदर। और ये रात के टाइम नॉकचर्नल इंसेक्ट होते हैं, रात के टाइम में एक्टिव होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द लाइट की तरफ, डैमेज करते हैं फ्लावर को, बर्ड्स को, सूट को, बोल को, इनको मतलब क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। ये कौन सी स्टेज होती है, कैटरपिलर इनके ऊपर अटैक करती है। अडल्ट होते हैं वो कब ब्रीड करते हैं, अप्रैल नवंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं एग की, जो फीमेल होती है वो क्या करती है, ले करती है
एको करीबन 2 से 10 एको ऑल पार्ट ऑफ प्लांट के ऊपर। जो फीमेल होती है ना, इसकी आदत होती है कि ये करीबन 2 से 10 एग को ले करेगी। मीन्स वैसे एग तो ये करीबन 300 एग को ले करती है, पर सभी पार्ट ऑफ प्लांट में, मीन्स प्लांट के पूरे, मतलब पूरे प्लांट के ऊपर ये मूवमेंट करती है और वहाँ पे एग को ले करती है। तो मीन्स इसका जो एग होता है वो पूरे प्लांट के ऊपर हमें दिखाई देगा। ऑल पार्ट ऑफ प्लांट के ऊपर इसके एग जो होते हैं वो दिखाई देंगे। इसका एग होता कैसा है? इसका जो एग होता है वो वाइट होता है, वाइट होता है, इलोंगेटेड होता है, फ्लैट होता है। एग टर्न ब्राउन होता है ग्रेजुअली। एग का अगर हम एग को मेजरमेंट करेंगे ना, तो 0.35 mm इसकी लेंथ होती है, 0.26 mm इसकी विड्थ होती है। मीन्स एग जो होता है वो ऐसे इलोंगेटेड होता है, ओव्यूल होता है और ऐसे फ्लैट पाया जाता है। अगर हम इसकी लेंथ को मेजरमेंट करेंगे तो 0.35 mm इसकी लेंथ होती है, 0.26 इसकी विड्थ पाई जाती है। कैटरपिलर होती है आफ्टर इंक्यूबेशन 4 to 23 डेज के बाद। जब एग हैच होता है तो उससे एक कैटरपिलर निकलता है। वो कैटरपिलर कैसा होता है? पेल येलो कलर का होता है। उसके अंदर जो हेड पाया जाता है वो डार्क हेड होता है और ग्रेस प्रोथेरिक्स होते हैं। ग्रेस कलर का प्रोथेरिक्स पाया जाता है। कैटरपिलर कहाँ पे बोर करता है? कैटरपिलर बोर करता है बॉल के अंदर, सूट के अंदर, बर्ड्स के अंदर एंड फ्लावर के अंदर। कैटरपिलर जो होता है वो ग्रो करेगा, मतलब जब कैटरपिलर इन बॉल, सूट, फ्लावर के अंदर इंटर कर जाएगा तो उस टाइम पे इसका जो कलर होता है वो पेल येलो कलर का होता है। जब यहाँ से अपने फूड को ये गेन करेगा तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज होती है, करीबन 15 mm ये लेंथ को एक्वायर कर लेता है और इसका कलर जो होता है वो पिंक हो जाता है। पिंक कलर होने के कारण इसको गुलाबी इल्ली इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पिंक बोलवर्म। जो मेन डैमेज होता है फिर आगे चल के वो पिंक बोलवर्म करता है। करीबन ये ग्रो करती है 10 to 30 डेज के अंदर ग्रो करता है। सम टाइम के बाद लार्वल स्टेज होती है वो प्रोलोंग कर जाती है विंटर के अंदर एंड पास्ट द कैटरपिलर स्टेज होती है वाइट कोकन इनटू द पूपा। पूपा क्या होता है? द कैटरपिलर प्यूमेट हो जाती है इनसाइड, मतलब कैटरपिलर जो होता है वो आगे जाके पूमा के अंदर कन्वर्ट होगा और पूमा जो होता है वो प्यूमेट कर जाता है इनसाइड द सिल्कन कोकन होता है। वो मीन्स जो पूमा की स्टेज होती है वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है, कुछ इस प्रकार से जो पूपा होता है वो दिखाई देता है। सबसे पहले येलोइस, पेल येलोइस कलर का होता है। उसके बाद जब ये किसी यंग, मतलब ऐसे बोल के अंदर इंटर करता है तो इंटर करने के बाद मतलब ये यहाँ से फूड गेन करेगा। करीबन मतलब 10 to 20-30 डेज के बाद ये ऐसे पिंक कलर का इसका जो कलर होता है वो चेंज होना स्टार्ट होगा और 10 to 30 डे के अंदर ये ग्रो कर जाएगा। 15 mm इसकी लेंथ दिखाई देगी हमें। फिर आगे जाके ये कन्वर्ट होगा, इस पूपा की स्टेज के अंदर कन्वर्ट होगा जो कि सिल्कन कोकन होता है, जो प्रेजेंट होता है लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है। और फिर ये आगे जाके मतलब किसी भी ग्राउंड के अंदर, मतलब लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये मतलब ग्राउंड में मीन्स धरती के ऊपर गिर जाएगा। गिरने के बाद करीबन 7 से 20 दिन के बाद ये अडल्ट के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स करीबन 7 से 20 डेज के बाद ये अडल्ट के अंदर क्या होगा? कन्वर्ट होगा। है जो अडल्ट होता है वो किससे हैच होके आता है? अडल्ट हैच होके आता है पूपा की स्टेज से हैच होके आता है। ये करीबन 1 साल के अंदर इस मतलब पिंक बोलवर्म की 4 to 6 जनरेशन को रिकॉर्ड किया जाता है 1 साल के अंदर। अब हम बात करें इसके डैमेज की, तो मेन डैमेज होता है वो किसके कारण होता है? कैटरपिलर के कारण होता है। कैटरपिलर क्या करता है? जो सूट होती है, बोल होती है, फ्लावर होती है, उनके अंदर बोर कर देता है। बोर करने के कारण क्या होता है? जो हमारा टिंडा होता है कपास का, उसके अंदर जो रुई होती है और जो मतलब अनमैच्योर जो रुई होती है और जो उसका सीड होता है उसको क्या कर लेता है? ये फीड कर लेता है, जिससे जब वो ओपन होता भी है तो उसकी जो लिंट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है और जो ऑयल होता है, ऑयल कंटेंट जो होती है सीड की, वो भी ग्रेडली क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। और जो हमें मतलब जो इल्ड मिलनी होती है, मीन्स ये क्या करता है? सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कॉटन को, कॉटन की इल्ड को, उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वालिटी को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। तो मेन केस डैमेज किसके कारण होता है? कैटरपिलर के कारण। कैटरपिलर जो है वो डैमेज कर देता है यंग सूट्स एंड रूट, सूट के अंदर, बोल के अंदर, फ्लावर के अंदर, और जिससे ये इनको डैमेज करने के कारण क्या होती है? हमारी जो लिंट होती है, जो सीड होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी कंट्रोल की, कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। पिस्ट कैन बी कंट्रोल बिफोर द कैटरपिलर स्टेज। पिस्ट जो होता है उसको कंट्रोल कर देना चाहिए कैटरपिलर की स्टेज से पहले ही, उसको कंट्रोल कर देना चाहिए। रटोन मेथड को अवॉइड करना चाहिए। हाइबरनेट लार्वल शुड बी किल्ड कर देना चाहिए बाय प्रॉपर प्लाविंग ऑफ द फील्ड से। देखो,
पेस्ट जो होता है उसको कंट्रोल करना चाहिए, जो कैटरपिलर स्टेज होती है ना उससे पहले उसको कंट्रोल किया जा सके तो अच्छी बात है, वरना हमें कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रटोन क्रॉप को अवॉइड करना चाहिए। हाइबरनेटिंग लार्वा, हमें पता है कि ये हाइबरनेट मीन्स विंटर के अंदर इसकी लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है, इसलिए जो हमें मतलब आफ्टर द मतलब कॉटन की क्रॉप के बाद मीन्स जब हम कपास को कटिंग कट कर देंगे उसके बाद हमें फील्ड को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि उसका जो एग होता है जो पड़ा हुआ होता है ज़मीन के ऊपर वो अच्छे से किल हो जाए, और इसलिए हमें उसके ऊपर प्रॉपर प्लाविंग करवानी चाहिए फील्ड के अंदर, मतलब खेत के अंदर अच्छे से बाजोत करवानी चाहिए। और फालन लीव्स, जो गिरी हुई लीव्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, सूट होती हैं, उनको हमें कलेक्ट करके जला देना चाहिए। रेजिस्टेंट वेराइटी होती है उसको ग्रो करवाना चाहिए, जो रेजिस्टेंट वेराइटी होती है ना हमारी कॉटन की उसे ही हमें क्या करवाना चाहिए, ग्रो करवाना चाहिए। इन्फेस्टेड क्रॉप, जहाँ पे मतलब इसका अटैक हो चुका है, जहाँ पे इस इंसेक्ट का क्या हो चुका है, अटैक हो चुका है, उस क्रॉप को स्प्रे कर देना चाहिए, उस पार्ट ऑफ प्लांट को क्या करवाना चाहिए, स्प्रे करवाना चाहिए। 0.5 लीटर ऑफ एंडोसल्फोन का यूज़ करना चाहिए स्प्रे की प्रोसेस में, हमें इसका क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रेड कॉटन बग के ऊपर। थैंक यू।